हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th एंड 8th। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इस सीक्वेंस में आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे एंड इन दिस टेंस I will show you the many examples of affirmative, negative, interrogative and double interrogative sentences. And I fully expected that in this video you understand very clearly this tense, future continuous. So if you are ready, let's begin. देखो बेटा, जैसे अभी टेंसेस में हमने प्रेजेंट के फुल टेंसेस पढ़े, देन पास्ट के फुल टेंसेस पढ़े, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर का सेकंड पार्ट। ओके, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का मीन्स वो टेंसेस जो फ्यूचर में लगातार, मतलब कंटिन्यू चलते रहें, ठीक है। या इसे अगर हम ऐसे कहें कि इस टेंस में, ये टेंस हमें ये शो करता है कि जो कुछ घटनाएं हैं या जो कुछ घटित होने वाला है फ्यूचर में, वो लगातार जारी रहेगा, एक मतलब कुछ टाइम तक, जो टाइम हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं नहा रहा हूँ, या मैं, अगर आप इस चीज़ को ऐसे कहें कि मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो जो तब वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ टाइम तक आपने पढ़ा, ठीक है। या इसको अगर मैं इस ढंग से कहूँ, द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो एक्शन होता है वो ये इंडिकेट करता है, जो टेंस होता है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा एक्शन है वो कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज ओनली यूज्ड विद एक्शन वर्ड्स। ये ध्यान रखना कि जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है उसमें एक्शन वर्ड्स यूज होते हैं, आपकी जो वर्क होते हैं, जो मतलब ऑकर्स होते हैं उनके लिए। इट इज़ ओनली पॉसिबल टू डू देम फॉर अ ड्यूरेशन, क्योंकि जो ड्यूरेशन हम शो करते हैं वो इन्हीं वर्ड्स के, इन्हीं एक्शन वर्ड्स के जरिए ही शो कर सकते हैं। एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब एक्टिविटीज़, क्योंकि यही एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी एक्टिविटी को शो करती हैं, जैसे रनिंग, थिंकिंग एंड सीइंग। मतलब ऐसी और भी वर्ब्स हैं जिसके बारे में, जो एक्शन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम अभी आगे इस टेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन पे। आई होप कि आपको ये टेंस, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जैसे कंटीन्यूअस मैंने आपको आगे भी बता रखा है, ऑन गोइंग, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस का मतलब कि कोई ऐसा वर्क जो ऑन गोइंग है, बट एक जो लेंथ ऑफ टाइम है, एक जो ड्यूरेशन है, उसके उसके अंतर्गत वो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स वेरी इजी, जैसे इंडेफिनिट में आपने विल और शैल का यूज़ किया था, इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। बट शैल बी आपको आई और वी के साथ यूज़ करना है, एंड ही शी इट दे यू के साथ आपको विल बी यूज़ करना है। फिर जैसा कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस मेट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट पर, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसके सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है उसके साथ आईएनजी, और फिर जो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसका हिंदी सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। अब उस समय जो है वो ये शो कर रहा है एक लेंथ ऑफ टाइम, यानी एक ड्यूरेशन शो कर रहा है, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम,
पढ़ रहा हूँ, यानी वर्क भी हो रहा है लेकिन टाइम की ड्यूरेशन भी दे रखी है कि इस टाइम मतलब उस टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, यानी वर्क अभी भी हमारा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे, यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक लेंथ ऑफ टाइम दिया हुआ है कि इस समय आप अपना पार्ट लर्न कर रहे होंगे, और जो लर्निंग है वो हमारा एक्शन वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है, बट हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, विल शैल बी के बाद नॉट लिखते हैं, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको जैसा कि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसा कि इसका हिंदी सेंटेंस है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा, द पियन विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लिखा हुआ है, द पियन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। अब रिंगिंग जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारा एक्शन वर्ब क्या है, चल रहा है एक्शन वर्ब। ठीक है, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, नहीं देता रहेगा, इसमें देखिए उस समय, इस समय ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देता रहेगा, देता रहेगा एक जो है वो लेंथ ऑफ टाइम शो कर रहा है कि नहीं देता रहेगा। ठीक है, तो द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, और वाटरिंग जो है वो इसमें एक्शन वर्ड है आपका। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस क्या से, क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ विल आएगा, यानी विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया। सेम ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है इसका, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से विल शैल से हमें वही इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने हैं जो हिंदी सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर ये वर्ड क्या कब कौन कहाँ ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आएंगे वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, उसमें इन वर्डों की इंग्लिश पहले आएगी, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट, और फिर इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हिंदी सेंटेंस के मिड में कब कौन कहाँ क्या कैसे ये वर्ड्स आएंगे तो उसकी इंग्लिश यानी वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी सेंटेंस देखते हैं, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, वे कल क्या कर रहे होंगे, सो सॉरी इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, आई थिंक मिस हो गया शायद, तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे बेटा। ठीक है, वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो, वे कल क्या कर रहे होंगे, तो जो क्या है इसकी इंग्लिश पहले हमने लिखी, वाट विल दे बी डूइंग टुमारो। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में कहाँ बीच में आ रहा है तो मैंने उसकी इंग्लिश पहले लिखी वेयर, सेकंड सेंटेंस में क्या मिड में आ रहा है तो मैंने उसकी इंग्लिश पहले लिखी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट हमारा देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस भी हैं, निगेटिव भी हैं, इंटरोगेटिव भी हैं और डबल इंटरोगेटिव भी हैं। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो
आपको अच्छे से आ जाएंगे। और फिर मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, ये सारे टेंसेस मुझे आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट मिलने चाहिए, ठीक है। अभी भी अगर आपने ये राइट नहीं किए हैं सो प्लीज़ प्रिपेयर योर ग्रामर कॉपी, अदरवाइज़ जब आपकी कॉपी चेक होगी तो ना तो आपके टेंस कंप्लीट होंगे और ना टेंस आपको लर्न होंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अच्छे से वीडियोस को 2-3 बार देखिए ताकि टेंसेस आपको दिमाग में आपके रिमाइंड होते रहें, आपको आते रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। सो इस प्रैक्टिस सेट के साथ मैं अपना वीडियो जो है वो अभी यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। थैंक यू।